नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं आज के लिए आंगनवाड़ी सेविकाएं के लिए एक और जानकारी आपको देने जा रहे हैं, जिसमें आपको एक ही बार में दिसंबर और जनवरी मंथ का किस प्रकार से आप OTP प्राप्त कर सकते हैं, एक ही बार में आप दोनों मंथ का किस प्रकार से आप OTP प्राप्त करते हैं, इसके लिए आपको वीडियो हम बनाए हैं। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए ध्यान से। जो आंगनवाड़ी सेविका अगर OTP अगर दिसंबर माह का अगर भूल गई हो, नहीं वेरीफाई कर पाई होगी, तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं। आपको दिसंबर मंथ और जनवरी मंथ का किस प्रकार से आपको OTP निकालना है, तो आप देखते रहिए हमारे वीडियो को। दोनों को एक ही बार में हम किस प्रकार से दिसंबर और जनवरी माह का OTP निकालते हैं, चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखते रहिए हमारे वीडियो को। तो चलिए दिखाते हैं आपको किस प्रकार से दोनों मंथ का एक ही बार में OTP निकालते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले अपना गूगल खोल लीजिए। गूगल में आपको लिखना है ICDS ऑनलाइन। अगर आपको वेबसाइट अगर नहीं मिल रहा है, तो हमारे वीडियो को नीचे में आपको दिया गया है यहाँ पे, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद आपको नीचे में दिया गया है कि यहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर टोकन प्राप्त करने के लिए, यहाँ पे लिखा है रजिस्टर्ड यूजर अपना टोकन प्राप्त करें। टोकन प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से फिर से पेज खुलेगा। खुलने के बाद आपको यहाँ पे बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र में संबंधित बच्चे, स्तनपान कराने वाले महिला तथा गर्भवती महिला के संबंधित में यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे लॉग इन करना है। तो आपको किस प्रकार से लॉग इन करना है, तो आपको यहाँ पे दे सकते हैं। तो अपना कोई भी यूज़र आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार लॉग इन करके हम आपको दोनों मंथ का दिसंबर और जनवरी मंथ का दोनों का आपको टोकन प्राप्त करके बताते हैं टोकन। तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे पहले सबसे पहले आधार नंबर डालना है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है, और इसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल लेना है, और यहाँ पे लॉगिन करना है। इस प्रकार से आपको करना है। और उसके बाद क्या करना है कि आपको दिखाते हैं कि दोनों मंथ का किस प्रकार से आपको मिलता है। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को अंत तक। तो चलिए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले अपना आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे चार अंकों का जो पासवर्ड होगा, आपको पासवर्ड डाल लेना है, और आपके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि कैप्चर डाल लेना है। इस प्रकार से आपका कैप्चर होगा, कैप्चर डाल लेना है, और उसके बाद क्या करना है कि आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रकार से आपको पेज खुलेगी। खुलने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको इस प्रकार से यहाँ पे मदर एंड फादर का नाम लिखा हुआ है, तो और यहाँ पे आपको IFSC कोड डाला हुआ है, जो आपको आधार नंबर और अकाउंट नंबर हाइड किया हुआ है, और यहाँ पे लाभार्थी का कैटेगरी दिया गया है, और इस प्रकार से बेनिफिशरी टोकन नंबर जो आपका जो ये टोकन नंबर जो OTP है, आपको इस प्रकार से दिसंबर माह का यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे, और जनवरी माह का इस प्रकार से आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इसी प्रकार से आपका दो गो लाभार्थी है, तो यहाँ पे दो कॉलम में आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से आपका दिसंबर माह का टोकन और जनवरी माह का टोकन प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से आप अपना टोकन निकालिए और लाभार्थी ऐप में वेरीफाई कर लीजिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको इस प्रकार से आगे आंगनबाड़ी सेविकाएं के लिए है, जो आंगन की किस प्रकार से आप अपना टोकन लाभार्थी को सत्यापन कर सकते हैं। थैंक यू हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से आप अपना बेल आइकन भी दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू हमारे यूट्यूब में बने रहने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।